कोरोना महामारी से लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, लेकिन हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत री की 92 वर्षीय लीला देवी ने कोरोना को हराया है। बुजुर्ग लीला देवी को सांस में दिक्कत होने के चलते 11 मई को कोविड केयर सेंटर हमीरपुर में भर्ती करवाया गया था और स्थिति में सुधार न होने के चलते 14 मई को नेर चौक के लिए रेफर कर दिया गया था। नेर चौक अस्पताल में अपने दोनों पोतों के सेवा भाव से कोविड बीमारी से सेहत में सुधार होने के बाद लीला देवी को 20 मई को हमीरपुर घर के लिए भेज दिया गया। उम्र दराज लीला देवी के द्वारा कोरोना महामारी को मात देकर वापस घर लौटने पर परिवारजन बेहद खुश हैं। तो जिला उपायुक्त देवश्वेता वर्णिक के अलावा विधायक राजेंद्र राणा ने लीला देवी के हौसले को सलाम करते हुए उनके कुशल लौटने पर उन्हें बधाई दी। लीला देवी ने बताया कि कोरोना होने पर 6 मई को वे बीमार हुई थी। लीला देवी ने कहा कि लोगों को कोरोना से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डराने वालों को सभी डराते हैं और कोरोना का डट कर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर अपनाएं। लीला मते हुई है छह तरीक छी लोगों जो क्या संदेश देना चाहते डरना नहीं आप गल यही है डरदियों सब डरामी डरा नहीं तो कोई नहीं डरा। वहीं लीला देवी के पुत्र जोगिंदर ठाकुर ने बताया कि माता को कोरोना के लक्षण आने पर टेस्ट के बाद वे पॉजिटिव पाई गई थी और उसके बाद सारा परिवार पॉजिटिव हो गया था। नेर चौक में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उपचाराधीन माता लीला देवी को 6 दिनों तक अस्पताल में रखा गया और उसके बाद माता स्वस्थ होकर घर लौट आई हैं। जोगिंदर ठाकुर ने उपायुक्त हमीरपुर विधायक राजेंद्र राणा का आभार जताते हुए कहा कि माता के उपचार के लिए इनका सहयोग बहुत मिला है। और मेरे माता जी को 6 मई को कोरोना के लक्षण आए और हमने इनका हमीरपुर में टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव पाए गए। फिर उसके बाद सारे परिवार का टेस्ट हुआ तो सारा परिवार भी पॉजिटिव पाया गया। 6 तारीख के बाद 11 तारीख इनको ऑक्सीजन लेवल जो इनका कम हो गया और इनको हमीरपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। 3-4 दिन तक वहाँ रहे और 14 तारीख को हमीरपुर हॉस्पिटल से इनको मंडी नेर चौक मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इनकी स्थिति जो है वो बहुत नाजुक थी और वहाँ पर इनका इलाज चला। 16 तारीख हमारे परिवार के जो लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो गया। तो उसके बाद मेरे दो बेटे नितिन ठाकुर और रजत ठाकुर दोनों को हमने गाड़ी लेकर के मंडी नेर चौक के लिए भेज दिया। वहाँ जाकर के इन्होंने माताजी की देखभाल की। सारा खाना इन माताजी ने खाना पीना बंद कर दिया था, चल फिर सकते नहीं थे, टॉयलेट वगैरह नहीं जा सकते थे अपने आप। तो बेटों ने 3-4 दिन जा कर के सेवा की, दवाई वगैरह का ठीक से उनको सेवन करवाया और 20 तारीख को मेडिकल कॉलेज नेर चौक ने इनको वहाँ से छुट्टी दे दी और इनको घर लेकर के आ गए। अब ये बिल्कुल ठीक हैं और कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, सारा परिवार भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक हमारी लापरवाही है। हम लोग समय से अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं, इस बीमारी को छिपाते हैं और छिपाने की वजह से और लापरवाही करने की वजह से कोरोना जो है वो अपना खतरनाक रूप धारण करता है। इसलिए मेरा सबको ये संदेश है कि कोरोना के जब भी लक्षण आएँ तो अपना तुरंत टेस्ट करवाएं और तुरंत अपने इलाज शुरू करें। ये खतरनाक नहीं है, इससे कोई बहुत ज़्यादा खतरा पैदा नहीं हो सकता है। वहीं लीला देवी की बहू सुकन्या ठाकुर ने कहा कि मेरे बेटे की शादी 1 मई को थी और शादी में पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ था। पूरे परिवार के साथ माता लीला देवी भी पूरी तरह से अब स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति समय पर कोरोना के लक्षण आने पर टेस्ट करवा लेता है तो बीमारी से निजात पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को लापरवाही की वजह से कोरोना भयंकर रूप ले रहा है, जिसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी से डरना नहीं चाहिए और बीमारी का सही समय पर इलाज करवा लेना चाहिए। लोगों में ये भ्रम है कि इस बीमारी, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, उससे एकदम डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मेरी मदर इन लॉ 92 साल की एज है इनकी,
तो ये डरे नहीं इस बीमारी से, इन्होंने हौसले से इसका सामना किया और स्वस्थ होकर के घर में आए। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस बीमारी से डरे मत, ये इतनी कोई बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है, टाइमली इसका इलाज करवाएं तो इससे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से जो है वो भयंकर रूप धारण करता है और तभी लोगों की डेथ जो है वो हो रही है, क्योंकि लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं। अगर टाइमली हम इसका टेस्ट करवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं, तो कोई बड़ी ज़्यादा बीमारी नहीं। लीला देवी के पोते नितिन ठाकुर ने कहा कि दादी का नेरचौक में दाखिल होने पर अस्पताल में पूरा ध्यान रखा गया और दादी को कोरोना बीमारी से निजात दिलाने के लिए उनका पूरा ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी के लक्षण आने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और अगर बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर 92 साल की दादी कोरोना को हराकर स्वस्थ हो सकती है तो बाकी उम्र के लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो जब मेरी दादी को नेरचौक में रेफर कर दिया गया था तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों नेरचौक पहुंचे और वहां पर जाके हमने इनका मतलब खाने पीने का ध्यान रखा। दादी दवाई नहीं खाते थे, खाना नहीं खा रहे थे, हमें लगातार वहाँ से डॉक्टर कॉल कर रहे थे कि आपकी दादी जो खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमने इनको खाना खिलाया और इनको दवाई टाइम से खिलवाई। उसके बाद हमारी दादी जब स्वस्थ होकर घर आ गई तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग डरते हैं कि मतलब हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के बीच में। अगर आप हॉस्पिटल समय से जाते हैं और समय से टेस्ट करवाते हैं तो आपकी ये जो बीमारी है इतनी ज़्यादा जो भयंकर रूप नहीं लेगी। तो इसलिए लोगों के बीच में यह बहुत गलत ऐसी सोच है कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, बीमारी को छिपा के रखेंगे, दबा के रखेंगे, इससे ठीक नहीं हो सकते। अगर मेरी 92 साल की दादी जो है वो कोरोना से रिकवर कर सकती हैं तो हर व्यक्ति इस बीमारी से जो है रिकवर कर सकता है। बस शर्त यह है कि आप समय से टेस्ट करवाएं, हॉस्पिटल जाएं और समय से जो है अपनी दवाई लें और हर प्रिकॉशन आप बरतें। तो इसीलिए लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल जाने से ना डरें और इस बीमारी को छिपाएं ना। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो इसमें शर्म करने की बात नहीं है, अगर आप इससे रिकवर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए। सामने मेरे सबके सामने एक एग्जांपल है, मेरी दादी जिनकी उम्र 92 साल है। आपको बता दें कि 6 मई को लीला देवी का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और लीला देवी की तबीयत में सुधार ना होने के चलते उन्हें हमीरपुर अस्पताल दाखिल करवाया गया था, जहां से उन्हें बिगड़ी हालत में नेरचौक भी रेफर कर दिया गया था।